प्रदेश के शाजापुर में सिंधी समाज के व्यक्ति के साथ बैंक परिसर में हुई मारपीट की घटना के बाद से ही सिंधी समाज के लोगों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। शनिवार को राजधानी भोपाल में सिंधी समाज सेंट्रल पंचायत ने घटना के विरोध में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना दिया। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। सिंधी समाज के लोग तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पहुंच गए, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने सिंधी समाज के लोगों को मुख्यमंत्री निवास के सामने से हटाया। दरअसल 15 जुलाई को सिंधी समाज के बैंक कर्मी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि परिवार और समाज वालों का आरोप है कि बैंक कर्मी के साथ मारपीट करने वाले शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के रिश्तेदार हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक मंत्री के परिवार से ताल्लुक रखने के कारण पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। धरने के दौरान आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सिंधी सेंट्रल पंचायत के लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है शाजापुर की जो पोचानेर में घटना हुई है, जो मंत्री इंदर सिंह परमार के भाई ने जो मारपीट की है उनके खिलाफ अभी तक अपराध दर्ज नहीं किया गया है और जो पीड़ित था उसके खिलाफ जो FIR फर्जी दर्ज हुई है उसको निरस्त भी नहीं किया गया है। इस बीच में अंबाराम कराड़ा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वहाँ के भाजपा के अध्यक्ष हैं शाजापुर के, उन्होंने समाज को टुकड़े टुकड़े गैंग का और नक्सली तक कहा है। तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं, हम गृह मंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं, हम संघ वालों से मिल चुके हैं, जहां जाना था जा चुके हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री से आज मिलने का समय मांगा था, उनको बताया था कि भोपाल बंद, इसी संदर्भ में हमने भोपाल बंद कराया है। घटना के विरोध में सिंधी सेंट्रल पंचायत ने शनिवार को भोपाल बंद का आह्वान किया। मारपीट के खिलाफ सिंधी पंचायत ने आधे दिन का बाजार बंद की घोषणा भी की है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।